तकलीफ का कारण है। सबसे बड़ा कारण तो ये है, ये सत्याग्रह सब और पार्लियामेंट स्ट्रीट, यानी सत्याग्रह भी है और संसद भी है। मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, सत्याग्रह जब सत्य हमने इस्तेमाल किया था तो हमारा ये मानना था जो हमारा सत्य है उसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं और दूसरे का भी सत्य है, लेकिन हमारा सत्य उनके सत्य से ज्यादा सत्य है, इसलिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन मैं आज बता दूं, आजाद भारत है, हमारा सत्य है जिसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सामने अपने संसद में बैठे हुए हैं, जो हमारा खुद का संसद है, वहाँ जो बैठे हुए हैं उनसे हम सत्य का आग्रह कितना कर पाइए, क्योंकि वहाँ केवल झूठ ही झूठ है, वहाँ केवल झूठ ही झूठ है, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी बात देखिए, आज हमारी लड़ाई जो है वो अस्तित्व और अस्मिता दोनों है, ये अस्तित्व भी है और अस्मिता भी, क्योंकि हमने बहुत सारे लड़ाई लड़े हैं, लेकिन एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे, तीन पॉइंट पे, लेकिन जैसे मैंने कहा आज एग्जिस्टेंस की बात है, तो आप यहाँ पर डिमांड देख लीजिए। डिमांड ऐसा है जहाँ पे हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में बना पार्लियामेंट्री एक्ट से फेडरल यूनिवर्सिटी के रूप में, और आज आपको खुद पता है ऑटोनॉमी के अंतर्गत उस फेडरल स्ट्रक्चर को ही खत्म करने की बात कही जा रही है। बाकी बातें तो बाद में होगी, पहले तो फेडरल स्ट्रक्चर की बात मैं आपको बता दूं। कुछ कॉलेज खुश होते हैं, नैप में 3.63, कुछ कहते हैं 3.52, लेकिन मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, जिनको सी और डी मिला है वो भी बहुत ज्यादा खुश है। क्यों खुश है, उसका कारण नैप हमारे सामने भी आया था, आप याद करेगी एकेडमिक काउंसिल में भी नैप आया था, हम लोगों ने नैप को पराजित किया था, डिफीट किया था, इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया था, लेकिन नैप आया और लागू भी हो गया, और आज बहुत सारे कॉलेज खुश हो रहे हैं जो हमारा नैप पे इतना पॉइंट है, जबकि उनको भी पता है हम कहाँ जा रहे हैं, कैपिटलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं जहाँ पर सैलरी भी हमें अपने पैसे से ही देनी पड़ेगी, और अपना पैसा कौन, स्टूडेंट के पैसे से। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती, यानी कुछ दिन के बाद ऐसा समय आने वाला है जो आपके पास स्टूडेंट, आप बाहर दुकान खोल करके बैठेंगे, स्टूडेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे मेरा तो, मैं तो सरस्वती कॉलेज इवनिंग से हूँ, आ नहीं रहा है, अब क्या होगा, यानी मुझे सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह की एग्जिस्टेंस की बात आपके सामने आ रही है। मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, बहुत सारे एडहॉक टीचर से हमने आपके ऑप्शन के बारे में बात सुना हुआ है, तकलीफ होती है। तकलीफ तब होती है जब आप अपने कॉलेज में 17, 18, 19, 20 साल से एडहॉक टीचर को देख रहे हैं, एनुअल डिनर होता है, वो अपने परिवार के साथ आते हैं और हम सत्य में आ जाते हैं, हमें लगता है जो बेचारे, यानी कल तक वो एडहॉक ज्वाइन किए थे, परिवार नहीं थी, और बच्चे 10th 12th में और ऊपर से तलवार लटक गई, आप समझिए क्या हालत है, यानी जिस तरह से इन्होंने एडहॉक, लेकिन उस एडहॉक पे भी ये चीज देखिए, ये बीच में कुछ कुछ देखते रहते हैं। हमने भी बहुत बार स्क्रीनिंग किया और खुश होते हैं, स्क्रीनिंग यानी 250 रुपये की सारा चीज़ लिस्ट भी आ जाता है, सब जगह उसको वेबसाइट पे डाल दिया जाता है, आ गया आ गया, लेकिन कुछ आने को नहीं है। मैं आज उड़ीसा के संबलपुर में यूनिवर्सिटी का के बारे में आपको बता रहा हूँ, 2,500 रुपये एप्लीकेशन का फी, यानी अपॉइंटमेंट, और वहाँ दूसरी बात आपका पे कमीशन भी पुराना वो दे रहे हैं, और उस पर से 2,500, क्योंकि उनको ही पता है जो हम इनको परमानेंट नहीं कर पाएंगे तो कम से कम ये 2,500 तो आ जाए। और मैं आपको इस 2,500 के बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक साजिश की बात आपको बता दूं, मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ वहाँ 7 आपके एडहॉक टीचर हैं, लेकिन आप दुखी होंगे 7 वहाँ पे गेस्ट भी है, और गेस्ट के लिए भी मारामारी है। मैंने कुछ कॉलेजेस में ये भी देखा है जो प्रिंसिपल ये कोशिश कर रहे हैं जो एडहॉक सिस्टम को ही खत्म कर दो, क्योंकि ऊपर ये बड़ी बात चल रही है, जो हमें क्या शो करना है, इतने सारे एम्प्लॉयड हैं,
यानी दिखाना है जो कॉलेज में 60 काम कर रहे हैं तो 60 कैसे काम कर रहे हैं, पोस्ट तो 30 ही है, यानी उस 30 एडहॉक पोस्ट को कन्वर्ट कर दो 100 आपके गेस्ट में जो कि कंट्रेक्चुअल होगा। इस तरह की बातें भी यहाँ पर चल रही है, तो हमें उस चीज़ को देखना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको और भी बता दूँ, आप जाओ सर, आप जो आसन की बात राजीव आप तो मुझे सुनना चाहते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जो आसन नेचुरल है, अगर परमानेंट नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगा। आप जिस फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वह फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा ही, जिस ऐप की आप बात कर रहे हैं वह ऐप भी नहीं रहेगा, केवल हम लोग उस लाल किताब को लेकर घूमते रहेंगे, देखो ये एक्ट है, लेकिन ग्रांड रियलिटी पे बात कुछ और होगी। मैं आपको बता दूं प्रमोशन को लेकर के मेरे बहुत सारे कुछ हमारे ऐसे भी हैं जो बहुत बाद में परमानेंट हुए, लेकिन फिर भी 20 साल तो हो गए प्रमोशन नहीं हुआ। बार बार खुशियां आती है, प्रमोशन हो जाएगा, एक टर्म को हम लोगों ने मास्टरी कर ली, प्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव, यानी हर बच्चा बच्चा, मैं तो उसको बच्चा बच्चा कहूँगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा बच्चा रहता है, रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है। प्रमोशन के लिए जो इंतजार कर रहे थे बेचारों ने, कहा गया एपीआई आ गया, एपीआई आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, डरे हम लोग। और उसके बाद ठीक है एपीआई के लिए क्या करें, तो दो चीज़ें पॉइंट बनाओ, यानी मैक्सिमम टीचर्स आपके, मैं बता दूं बहुत सारे, यानी पहले कमिटीज भी नहीं आते थे कॉलेज में, अब आप देखोगे एक एक कमिटी में 25-25 टीचर हैं, बेचारे क्या करें, मजबूरी है। और दूसरी तरफ जनरल, उन्होंने कहा जो जनरल में आपका होना चाहिए ISBN नंबर के साथ, ISSN नंबर के साथ, भाई पब्लिश कर लिया, फिर पता आया यूनिवर्सिटी अप्रूव जनरल में होना चाहिए, UGC अप्रूव जनरल में होना चाहिए। अब वहाँ भी किसी तरह से मारामारी करके जैसे तैसे वहाँ भी कुछ हो गया, उसके बाद पता चला अब बहुत सारे जनरल नहीं रहेंगे, और जो जनरल है उनका भी भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, तो ये हम सबों के साथ खिलवाड़ है। आपको मैं बता दूं अभी ओबेरॉय साहब चले गए, जेटली जी ने कहा उनको टेंशन की क्या बात करते हो, आप खुद सोचिए, हम लोग सभी उस जगह अपने आप को रखिए, यानी आप 65 साल, जो मुझे पता नहीं है जो 65 साल ये कब तक रहेगा, हो सकता है ये 62 पे आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ भी कुछ रिपोर्ट इस तरह के मिल रहे हैं, लेकिन 62 साल भी रहता है या 65 साल भी, उसके बाद जब आप आगे की ओर जाते हो, यानी आपको मैं रिलैक्स हूँ, मुझे पेंशन मिलेगा, पेंशन नहीं मिलने को है। और टीचर्स तो आप डरने लगे हैं जो आगे पेंशन रहेगा भी या नहीं, हम कह रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम को हटाओ और जो पेंशन स्कीम था उसको लागू करो, लेकिन मुझे तो डर ये लग रहा है जिस ढंग से ये सरकार आगे बढ़ रही है, जिस ढंग से ये आगे काम कर रही है, ये पेंशन स्कीम जो है उसको भी न्यू पेंशन स्कीम में कब कन्वर्ट करते कब नहीं कन्वर्ट करते वही ठीक नहीं है। मैं ये चीज़ के लिए जरूर झूठा की तारीफ करूँगा, तो देखिए जिस तरह से भले यहाँ पे टीचर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इवैल्यूएशन का बैकआउट है वो 100% है, जो मुझे पता है वह 100% है। इस बात को शो कर रहा है जो टीचर्स को पता है, अगर टूटा नहीं तो वो कहीं नहीं, और केवल यहाँ पता नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर भी जो यूनिवर्सिटी है उनको ही पता है टूटा नहीं तो और नहीं। और आपके इंडिया से बाहर भी बहुत सारे टीचर्स और यूनिवर्सिटी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जहाँ पहले कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, अब उनको पता चलने लगा है जो कोई झूठा है और वो सड़कों पे रहती है, तो हम भी अब सड़कों पे रहेंगे। लेकिन लास्ट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की, जो हाल अभी यूनिवर्सिटी की हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हो गई है या बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी हो गए हैं, जिस तरह के आपके अपॉइंटमेंट्स भी हर जगह हो रहे हैं, और जिस तरह से अब एक कार्टून वाला चाचा चौधरी भी आ गया है, चाचा चौधरी भी आ गया है जो बच्चों के दिमाग में पहले से ही सारी चीज़ें डाल देगा, जो देखो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, इसको पढ़ो और आगे बढ़ो,
यानी हम लोग दल यूनिवर्सिटी में क्यों है, बहुत बार हमें भी इस चीज पे शंका होगा, यानी जो हम पढ़ाना चाहते हैं हो सकता है स्टूडेंट हमें सवाल करे, नहीं सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो सही नहीं लग रहा है, हम जो पढ़ के आए हैं वही उचित लग रहा है, क्योंकि बचपन से ही हम उस चीज को पढ़ते आ रहे हैं, आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो, इसलिए हम आपसे पढ़ना नहीं चाहते, और यूनिवर्सिटी भी चाहती है जो आप उनसे पढ़ाए, आप उनको पढ़ाओ नहीं, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में दो एग्जाम कोई पढ़ाई नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी चाह रही है, लेकिन सारे बच्चे टॉपर, तो बच्चों को और क्या चाहिए, टीचर है या ना है, बच्चे टॉप करना चाहिए, ये सारी चीजें हैं आपके सामने, एक तरह से चुनौती है, इन्हीं शब्दों के साथ, थैंक यू।